नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी धारणा में नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी दशहरे के दिन गांधी चौक, दुर्गा समिति व काली चौक में महाकाली हवन किया गया। भार्गव राइस मिल, प्रांगण, बस स्टैंड, चांदनी चौक धारणा में महाआरती का आयोजन दशहरे के दिन किया गया, जिसमें लगभग 900 महिला आरती की थाल लेकर पहुंची। कार्यक्रम में बरघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुन सिंह काकोटिया, ग्राम के गणमान्य लोग व धरना पूर्व सरपंच रंजीत बोपचे, लता काड़े, विद्यावती, शरणागत, दीप प्रज्वलित कर माँ अम्बे की आरती की शुरुआत की। महाआरती में महिलाओं ने आरती की थाली सजाकर लाए थे, जिन्हें प्रसाद के पैकेट में 170 चांदी के सिक्के अलग अलग पैक किए थे। एक सोने की नथ, एक मंगलसूत्र प्रसाद के रूप में उन्हें मिला। बाजे गाजे के साथ गाँव में भ्रमण के बाद मूर्ति विसर्जन किया गया। माँ काली का खप्पर गाँव में घुमाया गया। कार्यक्रम में साज सज्जा शारदा टेंट हाउस द्वारा की गई। सिवनी जिला ब्यूरो, संजय काड़े की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ इंडिया न्यूज 28 के आज 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, हमारी ओर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और देखते रहिए लगातार खबरों के लिए इंडिया न्यूज 28 के साथ। आप लोगों के लिए कहने भर की देवी के लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले मनोज बोपचे जी, सबसे पहले आप बताइए हमारे दर्शकों को, आपकी कितनी साल से यहाँ माता जी की सेवा दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जय माँ काली उत्सव समिति की ओर से समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों को माता रानी की ओर से इस नवरात्र के पावन पर्व पे बधाई देना चाहता हूँ। बोलो काली माता की, बोलो काली जय। और ये जो हमारा पर्व है, ये पूरे गाँव के जन सहयोग से और क्षेत्र के आजू बाजू के भक्त लोगों के सहयोग से ये जय माता उत्सव काली समिति जो है, कितने साल से सेवा, ये लगभग 22 साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें पूरे ग्राम का सहयोग और आसपास के क्षेत्रों का भी सहयोग है। और यहाँ पे माता रानी के भक्तों की भी एक ऐसी आस्था बनी हुई है कि यहाँ हर भक्त को, ये मेरे हाथों में दिख रहा है, ये रक्षा कवच बांधा जाता है। इस रक्षा कवच को बांधने से हर आदमी रक्षा, माता की रक्षा करती है, ऐसी हम लोगों की आशा है। और माता रानी से हम ये कहते हैं कि माँ सब पे कृपा बना के रखें और इसी टाइप से हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित रहे। ऐसे तमाम भक्त जो बाहर से भी आते हैं, उनसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले कहाँ से आए आप? मैं ग्राम जेवनारा से आया हूँ और माता जी के दर्शन करने। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बताइए? मुझे ये काली जी तो यहाँ दुर्गा उत्सव तो पूरे हमारे क्षेत्र और देश में मनाया जाता है, पर काली जी का उत्सव सिर्फ हमारे बरघाट ब्लॉक में धारणा ग्राम में मनाया जाता है। अच्छा। और आजू बाजू कहीं नहीं मनाया जाता, इसलिए बहुत सारे भक्त लोग या दर्शक लोग या मैं स्वयं यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और आज समिति का भी बहुत सहयोग रहा। मतलब बरघाट क्षेत्र में काली जी कहाँ कहाँ बैठती हैं? बरघाट क्षेत्र में सिर्फ काली जी धारणा ही में बैठती है। काली जी का स्थान सिर्फ आष्टा में है और सुनने मिला है कि कल्याणपुर और मगरकाठा में बैठी जाती है। पर हमारे साथ समिति के सदस्य हैं राजकुमार रंगडाले जी, सबसे पहले बताइए, 2 साल अभी कोविड चल रहा था, कोरोना काल में भीड़ भाड़ भी नहीं रही, तो प्रशासन के क्या आदेश मिले इस साल आपको यहाँ पर? प्रशासन के यही आदेश मिलेंगे, कोविड-19 के आदेशों का पालन करना है। किया जा रहा है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। अच्छा। किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अच्छा। पिछले 2 वर्षों में तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा उत्सव में कमी आ गई थी, मतलब उत्साह कम हो गया था, मगर इस वक्त थोड़ा उमंग नजर आ रही है। कार्यक्रम वगैरह कुछ नहीं इस साल ना? इस साल कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं हुई। कितने साल से सेवा दे रहे हैं माता जी की? सबसे पहले तो जय दुर्गा माँ की। यहाँ पर गांधी चौक दुर्गा समिति के तरफ से यहाँ 41 साल हो गया माता रानी के मंडप में सेवा दे रहे हैं और यहाँ समस्त ग्रामवासियों के तरफ से पूरा योगदान रहता है। माता रानी के चरणों में सभी लोग, क्या है, पूरे गांव के लोग मिलकर के सहयोग करते हैं, सभी के सहयोग से कार्यक्रम होता है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? माता रानी का आशीर्वाद मिला है। क्या मिला आपको उसमें? चांदी का सिक्का। आपको मिला सिक्का? धारणा क्लब में
चलो जिन्हें चांदी का सिक्का मिला हम उनसे पूछ लेते हैं, आपको सिक्का मिला चांदी का? हाँ। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? माता रानी का आशीर्वाद मिला है। क्या मिला आपको उसमें? चांदी का सिक्का। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ धारणा चांदनी चौक पर, इस वक्त में और तमाम जो महिला यहाँ पर आरती की थाल सजाकर लाई थी, जहाँ 100 रुपये ने सिक्का चांदी का और सोने की नथ फंसी, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? कांता बघेल। जोर से बोलो। कांता बघेल। तो आपको क्या मिला आज यहाँ पर? कांता बघेल, हम पवनार रहते हैं, प्रसाद में हमको सोने की नथ मिली। तो क्या कहना चाहेंगे, खुश हैं आप माता रानी से? तो आरती लेके आप? नहीं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए? हाँ। चलो चलो, जय माता की। जय माता। आपका नाम? धनवंता बोपचे। बोपचे जी, कहाँ रहते हैं आप? धारणा का। तो आपको क्या मिला आज? सोने का पेंडल। तो खुश हैं आप? मतलब माता जी प्रसाद रूप जी? खुश है, खुश है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें सोने का पेंडल ना तो और चांदी के सिक्के मिले हैं, यहाँ पर बहुत खुशी है इनको हो रही है कि माता जी ने हमें प्रसाद रूप में आज यहाँ पर हमें चांदी के सिक्के और सोने का पेंडल दिया है। ऐसी आस्था होना चाहिए। बोलो दुर्गा माता की। 28 मैं संजय काड़े, जिला ब्यूरो। आपको ग्राउंड रिपोर्ट धारणा बस स्टैंड से दिखा रहा हूँ। तमाम दुर्गा समिति के लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे पूरी जानकारी हम लेंगे कि माता जी कितने साल से स्थान पर बैठ रही हैं। सबसे पहले अभिजीत जायसवाल, आपकी समिति यहाँ पर है और तमाम महिला पहुंची हैं दूर दराज से, गांव से भी आए यहाँ पर। तो आज कार्यक्रम विजयदशमी में आज बताया जाता है यहाँ पर महाआरती में नाम वितरण भी, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी बताइए। यहाँ महाआरती का कार्यक्रम होता है, 19 वर्षों से महाआरती हो रही है और 72 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे। 72 वर्ष हो चुके माता रानी प्रतिवर्ष यहाँ विराजमान होती हैं और 19 वर्ष से महाआरती हो रही है। महाआरती में सोने के मंगलसूत्र, सोने की नथ, चांदी के सिक्के प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता आज है। आज कितने चांदी के सिक्के आए आज? आज 161 चांदी के सिक्के हैं। अच्छा। 10 जोड़ी बिछिया हैं चांदी की। अच्छा। एक सोने की नथ है और एक मंगलसूत्र है सोने का। अच्छा, वितरण कैसे किया जाएगा, प्रसादी रूप में क्या है? ये प्रसाद के डब्बों में डाल दिया जाता है। लगभग मान लो 500 आरती आई, लगभग यानी ये समझ लो कि 1100 से भी ऊपर आरतियाँ आएंगी यहाँ पे। अच्छा। उनके प्रसाद के डब्बों में सभी डब्बों में डब्बे बनाए जाएंगे। 1100 डब्बों में डाल दिया जाएगा, उसमें पता नहीं रहेगा जिसको भी, जिसके किस्मत में चले जाए वो, जिसके भाग्य से निकले उसको वो प्रसाद उनको निकल जाता है। इनाम वितरण मतलब उसी में मतलब अनाउंस भी हो जाता है? हाँ, डब्बों में ही निकलता है, फिर बाद में खोलते हैं। आरती होने के बाद वो प्रसाद के डब्बे खुलते हैं, उसमें सभी लेडीज से मिला जो 50 साल से अपनी देवी माँ में सेवा दे रहे हैं धारणा ग्राम से ही हैं, मिस्टर अलीम खान। अलीम खान जी, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे आप जो यहाँ सेवा दे रहे हैं माता जी के बारे में, बताइए थोड़ा। 50 साल से ऊपर हो चुके हैं जो यहाँ पे समिति में हम सेवा दे रहे हैं दुर्गा जी के। जी। और मैं अलीम खान धारणा से हूँ। जी, थोड़ा जोर से बोलिए। जी, बढ़िया। क्या हम कोविड 19 कितना पालन किया जा रहा है? कोविड 19 का पूरा पालन किया जा रहा है, देख लीजिए आप। इस बार शासन गाइडलाइन जो मिली है आपको, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई आयोजन नहीं किया गया? नहीं करा गया, कोविड के कारण ज्यादा भीड़ होती है, इकट्ठे नहीं करा गया। सिर्फ महाआरती से महिला लोग पहुंच रहे हैं दूर दराज से आरती लेकर? दूर दराज से आती है, बहुत आजू बाजू गांव से। अच्छा, हर साल से आरती में महिला बढ़ रही है ऐसा लग रहा है आपको? 400। तुम्ही से प्यार पाया, तुम्हारी करुणा से जग नहाया, ना ये प्यार होता ना प्रीत होती अगर कहीं तुम ना होती काली माता, काली माता। तो देखते रहिए इंडियन न्यूज़ 28 से संजय काड़े, जिला ब्यूरो सिवनी। बोलो काली माता की। बोलो काली माता की।